रिश्तेदारों की भी सजा कम नहीं होती? मतलब? मतलब रिश्ते में हम आपके हस्बैंड हो जाएं तो? फायर फायर। क्या हुआ गाड़ी को? मैडम जी टायर पंचर हो गया। हाँ तो टायर बदल। मैडम जी दोनों टायर पंचर हो गया। तू क्यों हंस रहा है? हाँ? वायरलेस पे खबर कर, दूसरी वैन मंगवा। जी जी मैडम। और देख आसपास कोई ढाबा वाबा है कि नहीं। है ना मैडम जी, ढाबा है, खाना मिलेगा पर कमरा नहीं मिलेगा। कमरा तो तुझे मैं दिलाऊंगी, चलो उठ पकड़ो। अच्छा अच्छा दिलाना, अच्छा, बाहर निकल। मैडम जी एक बात बताओ, अगर हमको सजा हुई तो कितने साल की होगी? कम से कम 14 साल के लिए अंदर जाएगा। 14 साल? अरे बाप रे बाप। मैडम जी सजा कम नहीं हो सकत है? अच्छा रिश्तेदारों की भी सजा कम नहीं होती? मतलब? मतलब रिश्ते में हम आपके हस्बैंड हो जाएं तो? फायर फायर। आपको चोट तो नहीं लगी ना? चुपचाप बैठ। मैडम जी बस एक बात, बस एक, आपको ना कातिलों को पकड़ने की ट्रेनिंग ठीक से ना मिली है। कातिल हम नहीं है, आप गलत आदमी उठा लाई हैं। तू कातिल नहीं है ना? ना। तो फिर कौन है कातिल? मैडम जी किस्सा लंबा है, कहो तो सुनाऊं। मैडम जी खबर कर दिए हैं, गाड़ी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सुनाओ सुनाओ किस्सा। कब तीर छूटे कब आग लगे, कब खून के दिल से धार बहे, कब रात यहाँ अकेली है बिन मेरे साहब पहेली है। तू जानता है कातिल कौन है? एक मैं ही हूं, सब कुछ जानता हूं, सब कुछ। पहले दोनों दोस्त थे, फिर एक कुर्सी के लिए दुश्मनी हो गई, एक दूसरे से जुबानी लड़ाई लड़ रहे थे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन करेगा राज और कौन करेगा आदेश का पालन। पांडे जी क्या है बे? पांडे जी माल चाहिए था। तो फिरंगियों से कहो कि कनाड़ा कुछ दिन ना खोले, इंक्वायरी चल रही है। ये क्या कह रहे हो पांडे जी? अरे बड़ी मुश्किल से पटाए हैं, नाराज हो जाएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी ना। अब भाई 10 करोड़ हैं, 2 करोड़ आप ले लीजिएगा। अंकल
आपके कान में कनगोजर घुसाएगा क्या? कुत्ता मुद दिए? पापा कह रहे हैं कि नहीं हो सकेगा तो नहीं होगा, एक बार में समझ नहीं आता का आपको? पर पांडे जी, खाम खाम बैठे बैठा 10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ये ले तेरे नुकसान का मुआवजा। ना ना भैया, पापा पिछली बार भी कह रहा, हमारा काम कराए दो भैया, हमारा काम कराए दो, BMW देंगे। अब कहाँ गए तुम्हारे BMW? अबे कब आएगा मंत्री? अरे क्या पता यार, इतनी देर से तो हम बैठे हैं यहाँ पे। और नहीं तो क्या, धूप में रंग भी जो है काला होता जा रहा है। चुप! जिंदाबाद जिंदाबाद, कृपा शंकर पांडे जिंदाबाद। ए चलो चलो, उठो 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 मंत्री जी, आगे नारे लगाओ नारे लगाओ नारे लगाओ। ए बैंड बाजे वाले, जोर से बजाओ, और जोर से, और जोर से मंत्री जी, आगे और जोर से बजाओ। यहीं बैठे रहना, बाहर निकलना नहीं, समझे? काशी की जनता आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ। कृपा शंकर पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काशी की जनता आपके साथ, कृपा शंकर पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काशी की जनता। यहां आवे के लिए धन्यवाद। आप लोगों के समर्थन के बिना काम हमारा मुश्किल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बार आपके इस नेता कृपा शंकर पांडे के साथ अन्याय हुआ है। दीनदयाल शुक्ला जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। हमने उनके लिए लोकसभा छोड़ी, दिल्ली तक सड़क बनवा दी, लेकिन उन्हें विधानसभा की चाय पीनी। अब बताइए, हमसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई मिलेगा आप लोगों को? पार्टी के कुछ लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है और इस बार हम सब लोग साथ मिलकर उन सब गद्दारों को, पार्टी के और आपके, उन सब गद्दारों को सबक सिखा। भाई साहब कहाँ चल दिए? अरे पांडे का पिटुआ को किसी ने गोली मार दिया भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप गोली निकालने जा रहे हैं ना? कैसे बतिया रहे हो? अरे पांडे दोस्त है हमारा। राजनीति में कोई दोस्त यार नहीं होता है, आप ही का रूल है, है? है मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली है, थोड़े दिन के लिए इन लोगों से दूर रहिए, नहीं तो धोती में दाग लग गया ना तो टिकिया घिसते रह जाएंगे। हाँ बाबूजी, हाँ बिल्कुल ठीक बोले हैं। देखिए बाबूजी, बाल सफेद होकर कुर्सी मिलने वाली है आपको, और दागी कुर्सी हजाम की होती है, हजाम की, जिस पर हर कोई बैठता है। तो आप सोच लीजिए ठंडे दिमाग से कि आपको साफ सुथरी कुर्सी पर बैठना है या दागी कुर्सी पर, फैसला आप पर है। Oh,
गंगा मैया की कसम, तुम्हारे खून का बदला जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। कल्लू, कल्लू जी, जी भाई जी। जिस किसी पे भी शक होए, उड़ा दो उसको। अब इस काशी में कृपा शंकर पांडे का तांडव होगा, तांडव होगा। देखिए, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। 6 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इन मौत के पीछे किसका हाथ है, ये अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। ये देखिए आप हमारे कैमरे पे, ये सर इस नर संघार के पीछे किसका हाथ है? ये सब क्या हो रहा है? लोग क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? पिछले एक महीने में 27 लोग मारे जा चुके हैं। सर, ये पांडे जी और शुक्ला जी के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी का नतीजा है। पांडे को शक है कि उसके बेटे को शुक्ला ने मरवाया है। ओके, ठीक है, बैठो। सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी।